क्या बात आगे जी। हाँ इधर 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 बैठे स्टूडियो चाहिए, ए विटामिन डी है। स्टूडियो में चलो मैं बैठ जाऊँ। हाँ ये सही है। क्या मैम 9 मिलियन हो गया? कितना हुआ? अभी हम टीम से बात निकले मिलियन है। 10 कब होगा? अभी आप गेम से निकल जाएंगे। आज ही होगा, संडे के पहले आज हो जाएगा। अरे दोस्त लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम लोग के लिए रोज इतना तैयार हो के आती हूँ। मेरे दोस्तों मेरे वो बढ़ा दो ना, 10 मिलियन कर दो ना, हो जाएंगे मैम। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फॉलोवर्स चाहिए मुझे। संडे तक हो जाएगा? हाँ संडे तक हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन तो हाँ, 10 मिलियन चाहिए ना, पता नहीं संडे को। पर मैम जैस्मिन से तो आपका सॉन्ग हिट हो गया ना, तो आप टेंशन क्यों ले रहे? पूरा हिट है आपका, कुछ बोलेंगे? मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करती हूँ, मैं एकदम डाउन टू अर्थ हूँ और मेरा सॉन्ग सबको पसंद आता है। मैं बहुत सिलेक्टेड काम करती हूँ, ऐसा नहीं है मेरा कि मैं पैसों के लिए कोई भी गाना कर लूँ फिर वो आके चला जाता है। सही बात है, ऐसा नहीं, पैसे तो चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो अभी गाने का हिट हो गया आपका, कुछ और भी प्रोजेक्ट आ रहा है गाने का आपका कुछ? मुझे इतना पता है मैं गाना कैसे भी उठा लूँगी, आप लोग हिट कर दो। हाँ मुझे पता है, वैसे आप लोगों ने ये गाना हिट किया है, बट मुझे मैंने सुना है कि 5-6 मिलियन होने के इंस्टाग्राम पे होने के बाद ही ऐड मिलती है, तो मैं 5-6 मिलियन कहाँ से लाऊंगी? 6 भी तो ऑलरेडी हो चुका है, सब आ जाएंगे। नहीं मेरे इंस्टाग्राम पे, अच्छा, पे मेरे इंस्टा पे तो सिर्फ 1.2 मिलियन ही है। हो जाएंगे, हो जाएंगे, तो ऐसा क्या करें, क्या कर सकते हैं? हाँ यहाँ पर बोलो, मेरा तो बाबा रियल है, ऑर्गेनिक है, सब्र का फल मीठा होता है। मैडम आपका इंस्टा आईडी बोलो और बोलो। मेरा इंस्टा आईडी है rakhisawan2511। सब लोग एकदम मुझे फॉलो करो और जल्द से जल्द मेरे मिलियंस पे मिलियंस करो। तो मुझे ऐसा सुना है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलियंस होते हैं इंस्टा पे, तो ढेर सारी ऐड मिलती है। बोलते हैं सब लोग, बोलते हैं डीएम रोज चेक करा करो। अब मैं सोचू कौन सा डीएम, मुझे कोई सीएम का भाई कोई डीएम होगा, मुझे नहीं पता डीएम क्या होता है। पर आपको किस तरह का ऐड चाहिए? बाद में पता चला इंस्टाग्राम में जाओ और फिर उसको ऐसा एक एरो होता है, उसको टच करो, तो मैंने टच किया तो इतने सारे, आपको पता है मैंने आज मेरे इंस्टाग्राम पे एक मेरी न्यूजीलैंड से फैन है उसने बिस्किट पे मेरा नाम लिखवाया, बताओ क्या? हाँ, दिखाई, दिखाई, बिस्किट पे मेरा नाम लिखवाया और फिर मैंने वो ढूंढ के निकाला डीएम से, ये देखो बिस्किट पे नाम लिखवाया और सब लोग अभी केक पे कॉस्ट्यूम पे नाम लिखवा रहे, सिर्फ कच्छों पे मत लिखवाना मेरा नाम। पर राखी जी आपको ऐड किस तरह का चाहिए बताए नहीं आप? ऐड किस तरह का चाहिए? ऐसा कुछ नहीं, घर में बैठ के, अभी लॉकडाउन में इतना शूटिंग भी खुला नहीं है। नहीं शूटिंग चालू हो गया, मेरा नहीं चालू हुआ ना, रवि को पता है शूटिंग चालू हो गया। घर में बैठ के सब लोग ऐड कमा रहे हैं ना, अभी घर में बैठ के पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना। मम्मी मेरी अभी हॉस्पिटल से मैं लेकर आई, सुबह 8 बजे मम्मी को लेके जाना पड़ता है ना। नहीं नहीं फिल्म सिटी से मैं सब चालू हो गया, प्रिया दत्त जी ने मेरी मम्मी को करवाया ना हॉस्पिटल में, सलमान जी ने मेरी मम्मी का पूरा ऑपरेशन करवाया और प्रिया दत्त जी ने मेरी मम्मी को वो करवा रही है रेडिएशन 40 दिन का। तो पहले तो माँ को बचाना है ना भाई, दूसरा तो सब चलते रहेगा। और हिना खान ने मेरा गाना डाला, देखा आप लोगों ने? देखा मैं बताऊं? नहीं देखा आप लोगों ने? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं देखा। स्टोरी देखा डाला है। हाँ देखा था क्या? देखो हिना खान ने मेरा गाना देखा, हिना खान, थैंक यू हिना खान, मेरी स्टोरी देख लो ना, व्यू बढ़ा लो, व्यूज भी आएंगे। हाँ मैं मेरे सारे फैंस के
ये देखो मेरे सारे फैंस के डांस मैं डालती हूँ अपने इंस्टा पे, वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना गेटअप लेके डांस कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट माई ऑल फैंस, और सब सेलिब्रिटीज ने मेरा गाना भी डाला हुआ है. थैंक यू हिना खान, गॉड ब्लेस यू, लव यू, यू आर स्ट्रांग. थैंक यू. थैंक यू मैम. मिला जाते बना.